इनके एक यूनियन वाले आए थे जिसमें जेई थे, जेई मोस्टली वही थे, और उनकी कुछ मांगी है। मैं कहने का आप चंडीगढ़ आ जाए, 20, 21, 22 को सेशन है, 23 के दिन सभी जो टीसी गुप्ता जी हैं, हमारे दोनों एमडीज हैं, सीएमडी हैं, उन्हें बुला लूँगा और सारा सब्जेक्ट हम समझ लेंगे क्या है, जो होने की बात है वो करेंगे, और जो नहीं हो सकने की वो भी आपसे बता देंगे। थोड़ा मेरा उन्हें ये भी एडवाइस था कि थोड़ा यूनियन पे ज़्यादा वो इस बात पे नहीं करें, ट्रांसफ़र हो गए तो ये थोड़ा सा इस तरीके की कन्फ्रंटेशन की बात नहीं, शिकायतें इतने नहीं है, नौकरी ज़्यादा मांग रहे हैं, अगर आप पे कोई रास्ता हो तो मेरी मदद करें। नौकरी कहाँ दे सकते हैं, सब ऑनलाइन है, कुछ है नहीं, टोटल ट्रांसपेरेंसी है, पर नौकरी की बात ज़्यादा है जी। मैं समझता हूँ कि more than 50% नौकरी की बात करते हैं, लोगों के ये है कि हम ही बांटते, हम ही लगाते होंगे, है नहीं ऐसा। हमें भी बड़ा संघर्ष, पार्टियां छोड़नी पड़ी, तब कहीं बाहर जाके लड़के पड़ते हैं। कुछ इंटरव्यू रिटर्न हुए हैं मेरे ख्याल में, 3-4 महीने पहले रिजल्ट आए हैं, ये अंडर कंसिडरेशन हम सोच रहे हैं कि उन्हें हमें लगाने चाहिए कि नहीं। वर्कलोड बहुत है, फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन भी देखी जाती है कि पैसा इतना अवेलेबल है कि नहीं है, कई चीज़ें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री से सलाह करके करा जाए। अभी हमारी जरूरत नहीं, हमारे एक मैसेज से सब ठीक हो जाएगा, सब मोबाइल वार हो जाएंगे, मैंने नहीं तो स्टूडेंट डिप्टी स्टूडेंट पे एक्शन करूँगा, ऑफिशियली मैसेज दफ्तर से सबको हो गए, और मैं समझता हूँ कि इसके बाद पानीपत के बाद सब अलर्ट हो गए, हमें कहने की जरूरत नहीं, समझाया जाता है, सेंसिबल आदमी अपने आप ही ऑनलाइन हो जाता है। जेलों में जो मेन जो बातें हैं वो ये देखने के कि जो कैदी हैं उन्हें ठीक समय मिले, जैसे मैं एक जेल में विजिट करा, उन्हें सबको अंदर बैरिक्स में रखे हुए थे, बीच में आंगन जो है वो काफ़ी खुला था, वो कहने के जी धूप आ रही है हमें ज़रा कह दो ही नहीं, ऐसे तो नहीं हम पशुओं की तरह अंदर खड़े हैं। मैं कहने का भाई खोल दो तुरंत, इन्हें दोपहर में यहाँ रख दिया करो, बाहर ताला लगाए तो कैद देखे, तो बोले जी आपस में लड़ते हैं, तो वो कहने के जी अब हम नहीं लड़ेंगे, हम आपसे वायदा करते हैं, वो ठीक है जब तक नहीं लड़े इन्हें बाहर रखो। अमेरिका में भी अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है जी, दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री है, सबसे नंबर वन इकोनॉमी है वो जी। ये चीज़ें पॉसिबल हो ही नहीं सकती, जब विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, हर तरीके से हर आदमी की नेसेसिटीज बढ़ेंगी, ये एक स्वाभाविक है। आप एक बात देखें, अगर ये हल नहीं होती है तो कोई नहीं आता, ये बरसात में कोई आके खड़ा होता है क्या? आप भी देख रहे हैं, जहाँ तक आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस की बात, मैंने आपसे कहा था ना 2 महीने में देख लेंगे, हो रहा है ना, ये तो आप मीडिया वाले खड़े बता दो, कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा मेरे मंत्रालय में? कर रहे हैं, बस आपकी आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग, आपका कोऑपरेशन चाहिए। आज मेवात के लोग भी मेरे पास आए हुए थे, मैंने एससी को फ़ोन करा कि इनकी कुछ प्रॉब्लम है, 14 गांव में जहाँ जेई ने कोई उनके कनेक्शन काटे हैं 14 लोगों के, मैंने कहा इसमें इंक्वायरी करें, और उसके बाद अगर कोई जेई फॉल्ट में है तो मुझे उसका केस रिकमेंड करके भेजो, मैं एक्शन लूँगा।